जब इन्हें चाहा बजरंग बली की प्रतिमा को तोड़ना, उसके बाद जो हुआ सभी रह गए दंग। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष बेस्ट उपाय। हनुमान जी के लिए हम सब सदा से ही सुनते आ रहे हैं कि हनुमान जी अमर हैं और आज भी हम सबके बीच हैं, और अनेकों बार हनुमान जी के आने और होने के किस्से और तथ्य हम सबके सामने आते रहते हैं। वो चाहे कभी अपने किसी भक्त की मदद करना हो या उनके चरण या गदा के निशान मिलना हो। ऐसा ही एक किस्सा हुआ आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम नाम के एक छोटे से गांव में। इस गांव में बहुत ही प्राचीन हनुमान जी का मंदिर था, जहां सदैव ही हनुमान जी के भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। प्रत्येक मंगलवार यहां भंडारा कराया जाता था और साथ ही हनुमान जयंती पर यहां बहुत बड़ा मेला भी लगाया जाता था। सभी गांव वालों के बीच हनुमान जी के मंदिर के प्रति गहरी आस्था थी। लोगों का मानना था कि अगर मंदिर में कोई मन्नत मांगी जाए तो हनुमान जी उसे जरूर पूरा करते हैं। सारा गांव अपना जीवन सुखमय रूप से व्यतीत कर रहा था। कुछ दिनों बाद मोहनपुर में रहने आया। वो मदिरा बेचा करता था। अपना मदिरा का काम बढ़ाने के लिए वह इस गांव में आया था और आसपास के गांव में मदिरा का व्यापार पहले भी कर चुका था और हर जगह उसे फायदा ही हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद जो हुआ उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी। गांव के बाजार के बीच में एक दुकान किराए पर ले ली और वहीं अपनी मदिरा को बेचने लगा। परंतु गांव में ज्यादातर लोग हनुमान भक्त थे और वो लोग इस प्रकार के व्यवसायों को पाप माना करते थे, जिसके कारण उसकी मदिरा ज्यादा बिक नहीं पा रही थी। दिन गुजरते चले गए, उसकी मदिरा बिल्कुल ना के बराबर बिक रही थी और महीने के आखिर तक इतनी भी मदिरा नहीं बेच पाया कि उसकी दुकान का किराया भी निकल पाए। इस बात से उसे बहुत क्रोध आया और उसने एक दिन सोचा कि ये दुकान सिर्फ हनुमान मंदिर की वजह से नहीं चल रही है। ये हनुमान मंदिर है जिसके कारण पूरे गांव का कोई भी व्यक्ति मेरी मदिरा नहीं खरीदता। अगर ये मंदिर यहाँ से हट जाए तो मेरी मदिरा का काम सही चल जाएगा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि यदि मैं इस मंदिर की मूर्ति को तोड़ दूं तो गांव वाले किसकी पूजा करेंगे और मेरी मदिरा भी अच्छे से बिकेगी। धीरे धीरे उसने रणनीति बनाना शुरू कर दिया और इस नतीजे पर आया कि अगले दिन आधी रात में जब सारे गांव वाले अपने अपने घर में होंगे, तब मैं गांव की बिजली के मुख्य तार काट दूंगा और अंधेरे की आड़ में हनुमान मूर्ति का विनाश कर दूंगा। रणनीति तैयार कर अगले दिन का इंतजार वो करता रहा और करता करता सो गया। पर उसने सोचा भी नहीं था कि इसका कितना घातक परिणाम उसे उठाना पड़ेगा। फिर अगले दिन आधी रात को अपनी रणनीति के अनुसार सारे गांव की बिजली काट कर मंदिर में एक बड़े से लोहे की छड़ लेकर वो मंदिर जा पहुंचा। उसने मूर्ति पर चढ़ी हुई माला और श्रृंगार को हटा कर फेंका। जैसे ही प्रहार करने लगा तभी बहुत जोर से बिजली कड़क उठी, जिससे वह थोड़ा डर गया। परंतु उसके इरादे अभी भी वही थे। प्रहार करने लगा तभी हनुमान जी की मूर्ति के हाथ में लगी गधा जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक भूकंप आया हो। सोहेल बहुत डर गया। उसने अपना इरादा नहीं बदला और तभी हनुमान जी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकलकर सोहेल के ऊपर पड़ा, जिसके कारण मंदिर के बाहर जाकर गिरा। समझ गया कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। वो मंदिर ही नहीं गांव भी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अगले दिन जब सभी गांव वाले मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी का श्रृंगार हटा हुआ है, हाथ से गधा नीचे जमीन पर गिरा हुआ है। तब उन सभी ने मंदिर परिसर में लगे कैमरे की जांच की और उन्हें साफ साफ दिखा कि वहां पर उस मूर्ति को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, परंतु और कुछ उन्हें दिखाई नहीं दिया। वो सब समझ गए कि हनुमान जी ने स्वयं अपनी रक्षा की है और उस दुष्ट को यहाँ से भगा दिया। सभी जय बजरंग बली के जयकारे लगाने लगे। मंदिर और बजरंग बली की प्रतिमा को फिर से सजाया गया। इस किस्से के बाद आसपास के सभी गांव में मंदिर और बजरंग बली के चर्चे होने लगे। लोगों की आस्था और दृढ़ हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ज्योतिष बेस्ट उपाय।